हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये पर्दे का बचा हुआ टुकड़ा है जिसका यूज़ करेंगे हम आज। और ये हम घर पे जब पर्दे बनाते हैं तो घर पे भी बचते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप, ज़रूरी नहीं है यही कपड़ा ले, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 इंचिस पे मार्क किया है और ये फोल्ड किया हुआ है 7 इंचिस पे। तो ये टोटल 10x14 इंचिस का है जो हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी के नाप से फॉर्म कट करिए, नॉन वन कट कीजिए। और नॉन वन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कपड़ा ले लीजिए और क्विल्ट कर लीजिए। उसके बाद मैंने ये छोटा सा टुकड़ा लिया है, 7.5x6 इंचिस है, और इसे ऊपर से फोल्ड करें। फिर ना आप यहाँ पे इसे अटैच कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिए, ये पॉकेट हो जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने 3x1.5 इंचिस की फर्स्ट स्ट्रिप ली है और इसे फोल्ड कर लीजिए। और ये रेडीमेड हैंडल लिए हैं मैंने, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े का भी बना सकते हैं। इसे ऐसे डाल के अंदर यहाँ पे अटैच कर लीजिए, दोनों साइड 3 फिंगर जितनी हमने जगह छोड़ी। अब ये दो पार्ट लिए हैं जिसका नाप है 9x6.5 इंचिस है, और 9 इंचिस की हमें जिप लेनी है। यहाँ पे स्टिच कर लीजिए, फिर कर लीजिए प्रेस स्टिच। और फिर आप क्या करें, दूसरा पार्ट लीजिए, उल्टा रख के स्टिच करें, प्रेस स्टिच करें, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने ये छोटे से दो पार्ट ले लिए हैं, 6x5 इंचिस के हैं। और देखिए, इसमें रेसे नहीं निकल रहे तो हम फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए दोनों साइड। तो अब ये पॉकेट हमने अटैच किया, अब ये जो मेन पार्ट है उसे यहाँ से फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, हमने स्टिच कर ली। अब आपको क्या करना है, इसे सेंटर ऐसे फोल्ड करके सेंटर में निशान कर लीजिए। या फिर ये देखिए मैंने क्या किया है, ये जो हमने स्ट्रिप लगाया है उससे यहाँ पर सेंटर से हमें अटैच करना है, ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर रेसे नहीं निकलेंगे ना, तो हम यहाँ पर जहाँ पर फिनिश हो रहा है ना, वहीं से दूसरी साइड का स्टार्ट करके स्टिच कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरे राउंड में हमने स्टिच किया, सेम वही तरीका यहाँ पे हमें करना है। देखिए, ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे पूरे राउंड में स्टिच करना है। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने स्टिच किया। फिर हमने ले ली है जिप जिसका नाप 11 इंचिस है और यहाँ से है 1.5 इंचिस। मतलब जिप का नाप देने की ज़रूरत, लंबाई की ज़रूरत है, लेकिन वही तो ज़रूरत नहीं है, वो तो सेम ही रहेगी। अब इसे फोल्ड करते हुए इसे आपको यहाँ पे स्टिच कर लेना है ऐसे। ये देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है। अब आप यहाँ से रनर डाल दीजिए। तो रनर डालने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे मैंने स्ट्रिप ले ली है 3x1.5 इंचिस, इसे फोल्ड करके स्टिच करें, ऊपर की ओर ले लीजिए और फिर से एक बार फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और फिर स्टिच कर लीजिए। ठीक है, अब दोनों साइड सेम हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉकेट है, दो पॉकेट साइड में, और जिप वाला पॉकेट यहाँ पे है, और पेस भी बहुत है। और प्यारी सी सुंदर सी हमारी हैंडबैग रेडी है, स्मॉल सी। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत।